the bell icon to never miss a video from theory to practical. तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे इस फोर लेयर डायोड के, इसके कुछ और नाम है वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम SUSB बोलते हैं, शॉक ली डायोड, और जिसको हम फोर लेयर डायोड भी बोलते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो डायोड की तरह ही होता है और इसमें कोई गेट सिग्नल नहीं है। इस फोर लेयर डायोड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, शॉकली डायोड, इसमें अभी गेट सिग्नल नहीं है। अभी हम लोग थायरिस्टर जो पढ़ेंगे उसमें आएगा, पर ये जो है इससे ही आपका थायरिस्टर जो है बनता है, या फिर उसका एक समझ लीजिए कि बेसिक चीज़ है, उसके एडवांस गेट का टर्मिनल भी इसमें आपको मिलता है थायरिस्टर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फोर लेयर डायोड है और इसका जो सिंबल है वो कुछ इस प्रकार से, जैसे आपका ये होता है ना डायोड, ठीक है, उसमें से आप ये वाली पॉइंट आप हटा देंगे, यहां से ये चीज पॉइंट आप हटा देंगे ऐसा। इसको हम बोलते हैं फोर लेयर डायोड और इसका ये सिंबल है SUS। SUS जो फुल फॉर्म है इसका, सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच, सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच इसका नाम है। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें क्या है, ये ऑन कब होगा और ये ऑफ कब होगा। ऑन कंडीशन मतलब शॉर्ट की तरह काम करेगा और ऑफ कंडीशन में ये एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, ठीक है, ये आपको सबको समझ में आ रही बात। तो इसको ऑन कराने के लिए, इसको ऑन कराने के लिए इस पे जो वोल्टेज जो हमने अप्लाई करते हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज हम लोग इसके अक्रॉस जो अप्लाई करते हैं वो एक लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि अलग अलग फोर लेयर डायोड है, किसी के लिए 50 वोल्ट है, किसी के लिए 40 वोल्ट है, किसी के लिए 15 वोल्ट है, ठीक है। तो जो अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज अगर इसमें हायर होगी तब, तो ऑन कब होगा, जब अप्लाइड वोल्टेज इसकी जो है उसको हम बोलते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज, ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा होगी जब अप्लाइड वोल्टेज, मान लीजिए 15 वोल्ट है इसकी, इस पर्टिकुलर डायोड की, फोर लेयर डायोड की, तो 15 वोल्ट जब आप इस पर अप्लाई करोगे तब ये ऑन कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। अब बात ये है कि 15 वोल्ट पे ये आपने क्या, इसको अब ये ऑन हो गया है, सप्लाई इसको मिल रही है, बेसिक बात समझना, कॉन्सेप्ट समझना। 15 वोल्ट आपने अप्लाई कर दिया है इस पर और ये आपका ऑन हो गया है, और इस पर आपने क्या लगा दिया है, यहाँ पे एक लोड आपने लगा दिया है, लोड को यहाँ पे वर्किंग लोड कर जाएगा, जो भी आपका पंखा है, बिजली है, जो भी है आपका ऑन हो गया है, ठीक है। अब बात समझे इस बात को कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि इसकी ब्रेक ओवर वोल्टेज जो है 15 वोल्ट है, तो आपने 0 से 15 वोल्ट आपने 15 वोल्ट से हायर कर दिया तो ये सर्किट आपका, सिस्टम आपका ऑन हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं वोल्टेज इसकी वापस, जो अप्लाइड वोल्टेज है ना, अगर मैं मान लीजिए 10 वोल्ट कर देता हूँ, तो क्या ये डायोड, क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा, ये काम तब भी करेगा, समझे बात को भाई। इसको ऑन करने के लिए कंडीशन क्या थी कि स्टार्टिंग में जो अप्लाइड वोल्टेज है ना वो आपको ब्रेक ओवर वोल्टेज से आपको हायर रखनी है, दैट्स इट, ये बात समझ में आ गई। अब इसको ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी जो करंट है, इस पे जो करंट, एक लैचिंग करंट है, उस लैचिंग करंट से यहाँ पे कम आ जाए तो ये आपका अपने आप ही ऑफ हो जाएगा। तो ये लैचिंग करंट मान लीजिए, ये लैचिंग करंट आपकी मान लीजिए 200 मिली एम्पियर है, ठीक है। लैचिंग करंट से रीडिंग कम हो गई तो ये आप क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अगर आपने वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज 15 वोल्ट है, अभी आपने 10 वोल्ट कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपने एक बार में इसकी वोल्टेज 5 वोल्ट कर दी है और उस 5 वोल्ट की वजह से जो लैचिंग करंट आ रहा है वो मान लीजिए 180 मिली एम्पियर हो गया, तो जैसे ही ये 180 मिली एम्पियर हो गया, जैसे ही ये 180 मिली एम्पियर हो गया, मतलब लैचिंग करंट 200 मिली एम्पियर से नीचे हो गया, तो ये आपका सिस्टम ऑफ हो जाएगा, लोड को सप्लाई नहीं मिलेगी,
ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक बात क्या है, टेक अवे क्या है, क्या इस बात से आपने निष्कर्ष निकाला, क्या निकाला कि इस फोर लेयर डायोड जो है हम पढ़ रहे हैं, ये हम थायरिस्टर से जस्ट पहले पढ़ रहे हैं, और इसमें अगर हम एक गेट का सिग्नल लगा देंगे तब ये थायरिस्टर बन जाएगा। अभी ये फोर लेयर डायोड है जिसका सिंबल कुछ इस प्रकार से है, डायोड की वाली डंडी हमने यहाँ पे खा रखी है। और ये ऑन और ऑफ किस प्रकार से होता है कि ऑन तब होगा जब आप इसकी एक होती है ब्रेक ओवर वोल्टेज, कोई भी चीज़ है उसकी स्पेसिफिकेशन होती है, जैसे टी शर्ट है तो टी शर्ट की स्पेसिफिकेशन है भाई टी शर्ट का ये कलर है, टी शर्ट की ये साइज है, उसी प्रकार से इस प्रकार के फोर लेयर डायोड दिया है, इसकी आपको ब्रेक ओवर वोल्टेज 15 वोल्ट दे दी है, लैचिंग करंट 200 मिली एम्पेयर आपको दे दी है। तो ये ऑन कब होगा, जब आप इस पर जो वोल्टेज अप्लाई करोगे वो आपकी 15 वोल्ट से हायर होगी। उसके बाद में अगर आपकी 15 वोल्ट से हायर हो गई तब ये आपका ऑन हो गया, ठीक है, 15 वोल्ट से हायर करने पे ये आपका ऑन हो गया। और जैसे ही आपने 15 वोल्ट से आप 12 वोल्ट जा रहे हैं, 14 वोल्ट जा रहे हैं, तभी ऑन ही रहेगा, ऑफ नहीं होगा। बट अगर आपकी लेचिंग करंट 200 मिली एम्पेयर है और इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो 200 मिली एम्पेयर से अगर कम हो जाता है तो क्या होगा, तो ये आपका सर्किट, आपका सिस्टम आपका ऑफ हो जाएगा। तो ये होता है आपका शॉकली डायोड सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच। अब ये चीज़ में आपको ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि ऑन कैसे होगा ऑफ कैसे होगा। अब इसका एक सुंदर एग्जांपल मैं लेता हूँ, देखो सर्किट को समझो कि सॉ टूथ वेवफॉर्म जनरेट मैं करूँगा शॉकली डायोड से। शॉकली डायोड से मैं किस प्रकार से जनरेट करूँगा एक सॉ टूथ वेवफॉर्म। ये रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम का, यहाँ पे मैंने कैपेसिटर लगा रखा है 0.1 माइक्रो फेराड का, और यहाँ पे मैंने ग्राउंड कर रखा है, और यहाँ से मैंने एक पॉइंट लिया है, यहाँ पे मैंने 55 वोल्टेज अप्लाई करी है। समझना बात को, बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने एक डायोड इस प्रकार से ये फोर लेयर डायोड जो है मैंने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, सभी बच्चे देख पा रहे हैं, समझो बात को। अब मुझे बताओ 55 वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या कैपेसिटर पे 55 वोल्टेज आ जाएगी फटाफट? नहीं आएगी भाई, कैपेसिटर चार्ज होता है धीरे धीरे, जीरो से चार्ज होता है, धीरे धीरे चार्ज होता है, जिसे आपने पढ़ा था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में, कैपेसिटर इस प्रकार से धीरे धीरे आपका चार्ज होता है, राइट, समझ में आ गई बात आपको। तो मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट था आपका 55 वोल्ट जो था, और ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा, और चार्ज होगा आपका 55 वोल्ट तक आपका कैपेसिटर मान लीजिए चार्ज होता, ठीक है, समझ आई बात। पर भाई मेरे इस डायोड का जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है वो है 15 वोल्ट, क्या है वो 15 वोल्ट। तो मेरे भाई क्या होगा, क्या जब 15 वोल्ट पर धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज हुआ है ना, तो यहाँ पे जब 15 वोल्ट तक आया इस कैपेसिटर पे वोल्टेज धीरे धीरे डेवलप हुई, और जब ये वोल्टेज डेवलप होते होते 15 वोल्ट तक आ गई, ठीक है, तो क्या होगा मेरे दोस्त, अभी क्या बताया था ब्रेक और वोल्टेज से हाई जाने पे क्या होता है, ये शॉर्ट होता है, क्या होता है ये शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट मतलब कि अब क्या होगा कि जब अभी तो ये ओपन था, अब ये पहले ये ओपन था, ऐसे ओपन था, कैपेसिटर चार्ज हो रहा था मस्ती से, अब ये आपका हो गया है शॉर्ट। अब अगर ये शॉर्ट हो गया तो ये कैपेसिटर आपने क्या कर दिया है, इस प्रकार से इसके रास्ते कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा, कैपेसिटर को आपने शॉर्ट कर दिया इस प्रकार से, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, जीरो। ये जो आप लोड ले रहे थे ना, यहाँ पे लोड वोल्टेज ले रहे थे, वो कितनी हो गई आपकी, जीरो हो गई, क्या जीरो हो गई वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज जीरो हो गई। अब जब वोल्टेज जीरो हो गई, अब जो वोल्टेज जीरो हो गई इस कैपेसिटर के अक्रॉस, और यहाँ पे कोई करंट इसमें लैचिंग करंट से कम थी, ठीक है, अब धीरे धीरे अगेन क्या हुआ, ये कैपेसिटर फिर से चार्ज होना शुरू हुआ, धीरे धीरे ये कैपेसिटर फिर से चार्ज होना शुरू हुआ, ऐसे ऐसे करके चार्ज हुआ हो रहा था, ठीक है, 55 वोल्ट तक पहुंचता, पर जैसे ही इसकी वोल्टेज अगेन 15 वोल्ट से ज़्यादा हुई तो अगेन इस पर 15 वोल्ट आई, और इसने इसको कर दिया शॉर्ट, फिर आप फिर नीचे चले गए। तो इस प्रकार से आपकी क्या मिल गई, आपको एक सॉ टूथ वेवफॉर्म मिल गई। अब आप बोलेंगे सर सॉ टूथ वेवफॉर्म तो ऐसी होती है एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट ट्रायंगल, पर यार ये इतना जो देख रहे हो ना आप, इस प्रकार से देख रहे हो ना ऐसे करके, तो इस छोटे से पार्ट में आपको ये ट्रायंगल ही दिखेगी, बड़े से पार्ट में देखोगे तब कर्व दिखता है, पर छोटे से पार्ट में आप देखोगे गौर करोगे जैसे ऐसे है, तो छोटे से पार्ट में गौर करोगे तो आपको ये सॉ टूथ वेवफॉर्म टाइप ही है
आपका आएगा, हल्का सा कर्व्ड होगा, पर वैसे आपको ये सॉटूथ वेवफॉर्म टाइप आपको लगेगी। तो यहाँ पे इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या है, सॉटूथ वेवफॉर्म के लिए बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। सॉटूथ वेवफॉर्म अगर आपको देनी है इस प्रकार से, तो देखा आपने इसका फायदा क्या हुआ। देखो कोई भी काम बहुत प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि मुझको जयपुर से दिल्ली जाना है तो मैं प्लेन से भी जा सकता हूँ, बस से भी जा सकता हूँ, ट्रेन से भी जा सकता हूँ, पैदल भी जा सकता हूँ, साइकिल से भी जा सकता हूँ। बट द थिंग इज मिनिमम इनपुट में या फिर डिफरेंट जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप काम करते हो। तो यहाँ पे फायदा क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई भी आपको कंट्रोलिंग डिवाइस, कोई माइक्रो कंट्रोलर या कोई आईसी वगैरह यूज नहीं करनी पड़ रही है, आप मात्र एक डायोड, फोर लेयर डायोड यूज कर रहे हो और एक कैपेसिटर, शॉकली डायोड यूज कर रहे हो, एक कैपेसिटर और रजिस्टर से आप ये बना पा रहे हो सॉटूथ वेवफॉर्म। अगर आप बोलेंगे सर अब मुझे ना ये बताओ आप कि मुझे डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की सॉटूथ वेवफॉर्म चाहिए, मुझको हाई फ्रिक्वेंसी की सॉटूथ वेवफॉर्म चाहिए, तो ठीक है ना भाई, आर और सी की वैल्यू इस प्रकार से चूज करो और इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज करो। ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, टाइम कॉन्स्टेंट इसका जो होगा उसके अकॉर्डिंग ये इसकी फ्रिक्वेंसी आपको आ जाएगी। तो समझ में आया। तो यहाँ पे हमने समझा शॉकली डायोड के बारे में, फोर लेयर डायोड जिसको बोलते हैं, SUS बोलते हैं, सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच के बारे में। और यहाँ पे हमने समझा कि जब ऑन कब होगा, जब इसकी वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा होगी, और ऑफ कब होगा, जब लैचिंग करंट से इसकी वैल्यू कम होगी, है ना, और फिर से अगेन ऑन कब होगा, जब अगेन इसकी वोल्टेज यहाँ पे हायर हो रही थी। और तो इस आर और सी और इस डायोड से हमने सॉटूथ वेवफॉर्म बनाई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ थायरिस्टर। थायरिस्टर में क्या है, ये सिंबल हमने पढ़ा था किसका, हमने सिंबल पढ़ा था किसका, शॉकली डायोड का। अब मैं आपको जो है थायरिस्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, और थायरिस्टर में जो बदलाव आया है, जो एक चेंज आया है, वो क्या चेंज आया है देखें स्टूडेंट्स। थायरिस्टर में इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं, ये एनोड है, ये कैथोड है, अब साथ में यहाँ पे क्या जुड़ गया है, एक गेट भी जुड़ गया है। ये जो गेट जुड़ा है ये इसका कंट्रोलिंग सिग्नल है। ठीक है, ये गेट क्या है आपका, कंट्रोलिंग सिग्नल है। इसको आप जिस प्रकार से वोल्टेज इसमें दोगे उस प्रकार से ये चीज आपकी ऑन होगी। ठीक है, अब देखो यहां पे ऑन करना है तो ऑन कैसे करोगे, गेट के थ्रू आप इसको ऑन करोगे। ठीक है, ऑफ करना है, ऑन करना है तो गेट के थ्रू आप क्या दोगे, इसमें वोल्टेज अप्लाई करोगे, इनपुट सिग्नल दोगे, तो ये सर्किट आपका ऑन हो जाएगा। ऑफ करना है तो आप क्या करोगे, गेट के थ्रू अप्लाई करोगे वोल्टेज और ये आपका ऑफ हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, सही बोला या गलत बोला, गलत बोला। ऑन करने के लिए तो गेट पे वोल्टेज देनी है भैया, गेट पे वोल्टेज देनी है। ठीक है, बट ऑफ करने के लिए गेट पे वोल्टेज देने से काम नहीं चलेगा, यहां पे इसकी लैचिंग करंट हमको क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। अभी कैसे करते हैं, क्या चीज है आपको मैं अब बताता हूं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहां पे देखो, जैसे एक थायरिस्टर है उसकी स्पेसिफिकेशन हमको दे रखी है 11 वोल्ट और 9 मिली एम्पियर हमको स्पेसिफिकेशन दे रखी है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका ट्रिगरिंग लेवल है। ट्रिगरिंग लेवल क्या होता है, जैसे कि एक बंदूक होती है, बंदूक का ट्रिगर होता है, जब आप ट्रिगर को आप प्रेस करोगे तभी बंदूक निकलती है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, एक गेट सिग्नल है, उस गेट सिग्नल को आपको ट्रिगर करना है किस पे, 1 वोल्ट और 9 मिली एम्पियर, मतलब कि एक ऐसा वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करना है जो 1 वोल्टेज से ज़्यादा हो एटलीस्ट, और 9 मिली एम्पियर की करंट उससे ड्रॉन की जा सकती हो। तो उसको हम बोलते हैं कि इसका जो ट्रिगरिंग लेवल जो है वो गिवन है। अब इसमें स्टूडेंट्स एक और चीज़ होती है और वो होता है आपका लैच करंट। ठीक है, वो होता है आपका लैच करंट। तो जैसे यहाँ पे हमने दे दिया कि भाई लैच करंट इसका 18 मिली एम्पेयर है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 1 वोल्ट और 9 मिली एम्पेयर का जब गेट पे आपने सिग्नल दिया तब ये ऑन हो गया, और इसकी लैच करंट मतलब इसकी थ्रू जो करंट है, लैच करंट 18 मिली एम्पेयर से अगर नीचे जाती है करंट, मान लीजिए 15 मिली एम्पेयर उसके थ्रू करंट जा रही है आपके, तो क्या हो जाएगा, ये थायरिस्टर आपका ऑफ हो जाएगा। ठीक है, कैसे ऑफ हो जाएगा वो मैं आपको वर्किंग इसकी दिखाता हूँ, कैसे इसको ऑपरेट कराते हैं। तो इसको ऑफ कराने के कई तरीके होते हैं वैसे, तो उसमें से एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ।
देखो स्टूडेंट्स, ये आपका जो है थायरिस्टर है, ठीक है। इस थायरिस्टर पे ये आपका गेट सिग्नल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका लोड रजिस्टर है, यहाँ पे आपने सप्लाई दे रखी है, मान लीजिए 55 वोल्ट आपने सप्लाई दे रखी है। यहाँ पे आपका ग्राउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका गेट है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, एक रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम की, और यहाँ पे एक वोल्टेज आपका सोर्स है, ठीक है। अब देखो ये वोल्टेज जो, अब यहाँ पे मैंने क्या दे रखा है, मैंने आपको ये दे रखा है कि इसकी जो ट्रिगर वोल्टेज है वो 1 वोल्ट है। कितनी है? 1 वोल्ट इसकी ट्रिगर वोल्टेज है, और करंट जो है वो 10 मिली एम्पेयर का सिग्नल मिलेगा इसको 1 वोल्ट पे, तब ये आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टूडेंट्स ये बताओ कि यहाँ पे मैं कितनी वोल्टेज अप्लाई करूं कि ये जो है गेट ऑन हो जाए और यहाँ पे लोड के थ्रू रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो हो जाए, तो क्या बताएंगे आप? सिंपल सी बात है, यहाँ पे करंट कितनी फ्लो हो रही है? 10 मिली एम्पियर फ्लो हो रही है ना। तो ये यहाँ पे कितनी ड्रॉप हुई? यहाँ पे जो पोटेंशियल है, ठीक है, वोल्टेज ये V है, ओके। तो ये जो V है, और यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगी इस रजिस्टर पे 1 किलो ओम पे। तो 1 किलो ओम पे जो रजिस्टर जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो कितनी होगी? I इंटू आर, मतलब 1 किलो ओम इंटू 10 मिली एम्पेयर इसमें ड्रॉप होगी, ठीक है। तो ये तो कुछ 10 वोल्ट हो गया, ये है ना, ये 10 वोल्ट हो गया। अब यहाँ पे ड्रॉप अगर 10 वोल्ट हो रही है, और यहाँ पे इसको चाहिए कितनी वोल्ट ऑन करने के लिए? 1 वोल्ट चाहिए है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज हमको अप्लाई करनी पड़ेगी वो 11 वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तब जाके आपका गेट सिग्नल आपका ऑन होगा। यहाँ पे अगर ये 100 ओम होगा, प्रैक्टिकली जो एक्चुअल वैल्यू होगी 100 ओम होगा, तब आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ये बताओ कि कितनी वोल्टेज यहाँ पे मैं अप्लाई करूँ कि ऑन हो जाए, तब आप क्या बताएंगे कि इसको ऑन करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो कितनी चाहिए? 1 वोल्टेज प्लस इसमें से कुछ वोल्टेज ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी होगा, तो 100 ओम इंटू 10 मिली एम्पियर, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वोल्ट आएगा, तो आपका 2 वोल्ट आएगा। तो एटलीस्ट 2 वोल्ट का सिग्नल आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको हम ऑफ कैसे करेंगे? इसको ऑफ करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे हमने एक स्विच लगा लिया, यहाँ पे हमने एक स्विच इस प्रकार से लगा लिया। अब अगर मैं इस स्विच को मोमेंटरली, अगर मैं इसको, ये अभी स्विच को मैं जो है क्लोज करूंगा, तो क्या होगा कि जो सारी की सारी करंट है वो इस स्विच के थ्रू हो जाएगी, ठीक है। अब बाद में मैंने स्विच को ओपन भी कर दिया, ठीक है, वापस, मतलब मैंने इसको क्लोज किया, क्लोज करके मैंने उसको वापस पोजीशन पे ले आया, तो क्या हुआ कि करंट अब वापस इस पोजीशन पे आ गया। मैंने क्लोज किया पहले 5 सेकंड के लिए, 5 माइक्रो सेकंड के लिए, और उसके बाद फिर से उसको मैंने ओपन कर दिया, पर क्योंकि अब उस 5 माइक्रो सेकंड के ड्यूरेशन में जो करंट आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो हो गई, और यहाँ पे करंट कितनी थी? 0 थी, क्योंकि सारी करंट यहाँ फ्लो हो गई। तो करंट आपकी जो लैचिंग करंट है ना, मान लीजिए 18 मिली एम्पेयर आपकी लैचिंग करंट है, तो इसके थ्रू जो करंट जा रही है वो लैचिंग करंट से भी कम हो गई। अब लैचिंग करंट से कम हो गई तो क्या होगा कि ये ऑफ हो जाएगा। अगर आप आपने स्विच को ऑन भी कर दिया है, मतलब इस प्रकार से आपने उसको हटा भी दिया है यहाँ से कनेक्शन को, तो भी आपका ये सर्किट यहाँ से, आप करंट जाएगा नहीं, क्योंकि अब सर्किट आपका ऑफ हो चुका है। अगर आपको फिर से ऑन करना है तो आपको फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गेट से के थ्रू पल्स आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने वर्किंग समझी थायरिस्टर की। अब कुछ और पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे इसमें, कि टेस्टिंग ऑफ SCR, कि कोई SCR है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि SCR को कैसे टेस्ट किया जा सकता है। मान लीजिए आपका कोई सर्किट है, ठीक है, और वो सर्किट क्या है आपका, खराब हो गया, वर्क नहीं कर रहा है। अब आपको शक है कि यार हो सकता है कि IC उड़ी हो सकता है कि ये थायरिस्टर खराब हो, तो आप कैसे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि यार कौन सा कंपोनेंट खराब है? तो
तो आपको क्या करना होगा, एक एक कंपोनेंट को आप चेक करेंगे, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ एससीआर को आप कैसे चेक करेंगे। देखिए स्टूडेंट, एससीआर को चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं टेस्टिंग ऑफ एससीआर। एक एससीआर एक कंपोनेंट है, उसको कैसे टेस्ट करना है। अच्छा, ये मैंने बताया कि वो सर्किट खराब है, उसको आप ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पास में बहुत सारे एससीआर रखे हो, थायरिस्टर रखे हो, और आपको लगाने से पहले, पीसीबी में लगाने से पहले, कनेक्ट करने से पहले आप टेस्ट करना चाहते हैं कि हाँ भाई ये डिवाइस सही है या नहीं है। ऐसा नहीं हो कि मैं सोल्डिंग में समय लगाऊंगा, फिर ख़राब हुआ तो उसको हटाऊंगा, दैट विल टेक टाइम। तो आप इंश्योर होना चाहते हैं कि जो कंपोनेंट आप पीसीबी में लगा रहे हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो उसका 2 सेकंड का काम रहता है, आपको एक मल्टीमीटर लगेगा। मल्टीमीटर आप सभी लोगों ने देखा होगा, और उसमें दो इस प्रकार से प्रोब रहती है, कॉमन रहता है, एक वोल्टेज का रहता है। इसको आप किस में करेंगे, रेजिस्टेंस में कर देना, इसको आर में कर देना, ठीक है। अब कुछ जो ओम मीटर्स होते हैं, इसमें जो टेस्टिंग वोल्टेज का भी सिस्टम रहता है, जैसे कि 1 वोल्ट का या 1.5 वोल्ट का जो सिस्टम उसमें रहता है। तो आपको करना क्या है, देखो ये आपका है, ये इसकी वर्किंग आपको चेक करनी है, और ये आपका है गेट, इस प्रकार से ये आपका एसीआर मैंने बनाया, इसको आपको क्या करना है, टेस्ट करना है। इसमें ये क्या है, एनोड, ये क्या है, कैथोड, और ये क्या है, गेट। जो कॉमन जो मिस्टेक होती है, गलतियां होती है, वो ये होती है, मतलब जो फॉल्ट होती है एसीआर में, या तो जो ए के जो है ना, मतलब एनोड और कैथोड के बीच में ये जो डायोड है ये टूट जाता है, इसको हम बोलेंगे ओपन हो जाना। कई बार क्या होता है, ए और के बीच में शॉर्ट हो जाता है, मतलब एक शॉर्ट की तरह काम कर रहा होता है ये, तो ये शॉर्ट हो जाता है कई बार। और कई बार क्या होता है कि जो ये गेट का जो टर्मिनल होता है ना, यहाँ से ये अंदर से टूट जाता है, ठीक है। तो अगर गेट में आप कुछ पल्सेस भी आप दोगे ना, तो ये कनेक्ट ही नहीं है गेट आगे जाके, ऊपर से आपको तो नहीं मालूम पड़ता, पर अंदर से टूटा हो, है ना। तो वो गेट जो है वो ओपन हो रखा होता है, या फिर सर्किट उसका ब्रेक होता है। तो ये सारी मिस्टेक्स इसमें, फॉल्ट इसमें होती है। तो इसको आप चेक कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, मल्टीमीटर को यहाँ पे रखो, इसका ये पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, रेड कलर का और एक होता है ब्लैक कलर का। तो रेड वाले को आपने एनोड पे डाला, ठीक है, और ब्लैक वाले को आपने यहाँ पे किया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी ट्रिगर वोल्टेज आपने नहीं दे रखी, तो इसके बीच में ये क्या है आपका, ये ट्रिगर नहीं है, ये ऑन नहीं है, ऑन नहीं है। तो क्या ऐसे के रेजिस्टेंस क्या होगा, कोई सर्किट ओपन है, कोई सर्किट ओपन है ना। आपने गेट दोगे तभी तो ऑन होगा। जब आपने इसको गेट नहीं दिया है, सिग्नल इसको नहीं दिया है, तो ये ऑफ है ना। अब अगर ये ऑफ है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो मल्टीमीटर में बहुत हाई रेजिस्टेंस ये शो करेगा। तो आप समझे कि आपने अगर इसको कनेक्ट किया यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस ये बहुत हाई दिखाएगा। अब अगर आपका एससीआर वर्क सही कर रहा है, तो आप एक काम कीजिए, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए फटाफट क्या कीजिएगा, ये जो वायर आ रहा है ना आपका, ये वाला, किसी प्रकार से इस वायर से इसको आप क्या है, शॉर्ट कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, डॉटेड में बना रहा हूँ, शॉर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब अगर मैंने ए और जी को मैंने कर दिया शॉर्ट, ओके, तो यहाँ पे क्योंकि 1.5 वोल्ट का टेस्ट वोल्टेज था इसमें, तो यहाँ पे इसको 1.5 वोल्ट मिल गया। इस 1.5 वोल्ट, अच्छा, शॉर्ट कर दिया, 1 सेकंड के लिए शॉर्ट किया, फिर हटा दिया। उस दौरान जब आपने शॉर्ट किया, तब आपको गेट को सिग्नल मिल चुका था इस पल्स के कारण, और ये अब क्या है, आगे ऑन ही रहेगा, और फलस्वरूप कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट द ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से लैच क्लोज हो जाएगा, और इसका रेजिस्टेंस जो है बहुत कम शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम शो करेगा। तो आपने देखा, अगर एससीआर सही है, गेट सही काम कर रहा है, तो आपने क्या करना है कि रेड वाले को ए से कनेक्ट करना है, और बी कॉमन वाले को, ब्लैक वाले वायर को कैथोड में कनेक्ट करेंगे, और 1 सेकंड के लिए तक करके आप क्या करेंगे, गेट को इससे कनेक्ट और कर देंगे एनोड से। तब क्या होगा, इसको गेट को सिग्नल मिल चुका होगा 1 सेकंड के लिए,
उसके बाद आपने हटा भी दिया है सिग्नल, पर ये आपका लैच हो गया है, कुंडी लग गई है, जैसे कुंडी खुल गई है, इस केस में लैच खुल गया है। तो लैच खुल गया है तो क्या है कि यहाँ से ए से के क्या हो गया, एक प्रकार से क्लोज पाथ बन गया है, और इस क्लोज पाथ की वजह से इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत लो हो जाएगा। समझ में आया? पहले बहुत हाई रेजिस्टेंस था, जैसे आपने इसको शॉर्ट करके छोड़ा तो ये आपका रेजिस्टेंस आपका लो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऑफ, ये प्रॉपर कर रहा है नहीं कर रहा, उसको चेक करने के लिए क्या करो कि एक बार आप क्या कीजिए, इसको अगर आपने ये जो कनेक्शन है ना ए का, इसको वापस ऊपर करोगे आप अगर, ठीक है, यहाँ से अगर आप, या फिर इस ब्लैक वाले को यहाँ से हटा दोगे, ठीक है, तो और हटा के फिर आप वापस लगा दो इसको, ठीक है, तो क्या हो चुका होगा, तो क्या हो चुका होगा, क्योंकि अब लेच करंट क्या हो गई है, लेच करंट से कम करंट इसके थ्रू फ्लो हो गई थोड़ी समय के लिए, तो क्या होगा कि ये ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे वापस ये ओपन हो जाएगा, वापस ये आपका रेजिस्टेंस हाई दिखाएगा। ठीक है, तो समझे बात को, क्या करना है आपको, आपको मल्टीमीटर लेना है, मल्टीमीटर में एक रेड और एक ब्लैक, रेड और ब्लैक को इसके ए और के पे लगाया, रेजिस्टेंस हाई दिखा रहा है, अच्छी बात है। अब क्या करो, ए को जी से कनेक्ट कर दो और छोड़ दो, अब रेजिस्टेंस जो है वो लो दिखाएगा। अब अगर आपने रेजिस्टेंस लो दिखा रहा है, अगर आप यहाँ पे जो ब्लैक तार आ रहा है उसको एक बार हटाओ हल्के से, फिर वापस लगा दो, ठीक है, तो क्या होगा, अब इसके थ्रू करंट ओपन हो गया थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए, तो लैच करंट से कम हो गया, तो अब ये ऑफ हो चुका होगा, अब इसका रेजिस्टेंस वापस वो हायर दिखाएगा। समझ में आ गया कि मल्टीमीटर से हम लोग SCR को कैसे टेस्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे, नहीं आ रहा आप सभी को, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। अब देखो स्टूडेंट, इसमें हाँ SCR की जो एक और एप्लीकेशन है, ठीक है, ये भी हो गया, वो है आपकी SCR क्रोबार प्रोटेक्शन। SCR क्रोबार प्रोटेक्शन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये भी एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, स्विचिंग के साथ साथ में एज अ प्रोटेक्शन डिवाइस भी हम लोग SCR को यूज करते हैं। किस प्रकार से यूज करते हैं देखेंगे, यहाँ पे आपका एक सेंसिटिव डिवाइस है, इस प्रकार की सेंसिटिव डिवाइस है कि अगर इसकी जो वोल्टेज है ना, अगर इसको 5 वोल्ट 5 वोल्ट है, अगर आपने इसको सिग्नल को 10 वोल्ट दे दिया या फिर 8 वोल्ट आपने इसको प्रोवाइड कर दिया, तो ये सेंसिटिव सर्किट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ये आपकी है पावर सप्लाई जहाँ से आपको पावर ले रहे हैं, और ये आपका है एक सर्किट, एक डिवाइस है, एक सर्किट है, ठीक है। अब देखो 5 वोल्ट की आपकी सेंसिटिव डिवाइस है, यहाँ पे आप सप्लाई भी 5 वोल्ट की लेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे 10 वोल्ट की लेके उसको खराबी करने का है, नहीं करेंगे ना भाई, 5 वोल्ट का सेंसिटिव डिवाइस ऑपरेट हो रही है तो 5 वोल्ट ही आप अप्लाई करेंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अच्छी बात है। अब पर एक बार बताओ कि अगर ये 5 वोल्ट की जो पावर डिवाइस है उसका इनपुट में कुछ चेंज आया या कुछ भी कारण से, अगर ये 5 वोल्ट से 6 वोल्ट हो गया, तब ये सेंसिटिव डिवाइस तो आपको ले डूबेगी, तो क्या करने का है, तो आपको क्या करने का है, यहाँ पे आप लगाएंगे SCR। कैसे लगाएंगे आप SCR, ये देखेंगे सभी बच्चे, इस प्रकार से आपने यहाँ पे SCR लगाया, यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस और एक आपने यहाँ पे एक जेनर डायोड इस प्रकार से आपने कनेक्ट किया। मान लीजिए इसकी फिक्स वोल्टेज है 1.6 वोल्ट है, जो भी है, एक प्रकार से आपने यहाँ पे जिनर डायोड आपने लगाया, ठीक है, और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को आप वेरी भी कर सकते हैं, इसको आपने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इस प्रकार से आपने रेजिस्टेंस और जिनर डायोड को लिया कि जैसे ही वोल्टेज 5 वोल्ट से ऊपर गई, मान लीजिए 5.5 वोल्टेज गई, तो यहाँ पे एक वोल्टेज आ गई, ठीक है, इस वोल्टेज की वजह से ये ऑन हुआ, और यहाँ पे कुछ एक एक वोल्ट 1 वोल्ट समथिंग इसको मान लीजिए मिल गई, और उसकी वजह से ये क्या हो गया, इसको गेट करंट मिल चुकी है। अब अगर इसको गेट वोल्टेज मिल गई है, सिग्नल मिल गया है, ट्रिगर हो चुकी है, बंदूक से बंदूक का ट्रिगर दब गया है, तो ये इसने क्या कर दिया, इसको ऑन कर दिया। तो अब ये किसकी तरह काम करेगा, एक शॉर्ट की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, एक शॉर्ट की तरह काम करेगा। तो क्या होगा कि जितनी भी वोल्टेज है, जितनी भी करंट है, वो इसके रास्ते चली जाएगी। किसके रास्ते चली जाएगी, इसके रास्ते चली जाएगी, और आपकी जो ये सेंसिटिव डिवाइस है वो आपकी
बच जाएगी। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक फ्यूज कनेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हम एक फ्यूज कनेक्ट करते हैं, सारी के सारी वोल्टेज सारी की सारी यहाँ पे चली जाएगी, क्योंकि देखो ये एक सेंसिटिव डिवाइस है, ये एक शॉर्ट की तरह है, तो करंट यहाँ पे बैठी सोच रही है यार मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, तो साफ सी बात है ये इसी जाएगी जहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, तो ये इसके थ्रू चली जाएगी। ठीक है, इस SCR के थ्रू चली जाएगी और ये सेंसिटिव डिवाइस आपकी प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो ये एप्लीकेशन है SCR की एज अ प्रोटेक्शन डिवाइस, समझ में आ गया। अब इसमें इसमें जो ये कंट्रोल सिग्नल बनाया ना अपन ने, इसमें देखो जो SCR की जो गेट सिग्नल को जो पल्स मिलती है ना, वो 1 माइक्रोसेकेंड पल्स भी अगर मिलती है ना तो भी वो काम कर जाता है। मतलब कि ये जस्ट गेट सिग्नल मात्र ओनली 1 माइक्रोसेकेंड के लिए आएगा तो भी आपकी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई सभी को। पर एक्चुअली क्या होता है, जिनर से जो जिनर का जो ऑन होना होता है, जिनर का जो ट्रांजिशन होता है, वो एक सॉफ्ट होता है। मतलब ऐसे नहीं है कि एकदम फटाफट होता है, वो एक स्लो प्रोसेस होती है, हल्की सी प्रोसेस स्लो होती है। तो यहाँ पे जिनर को यूज़, वैसे तो जिन एप्लीकेशन में चल जाए काम वहाँ पे तो ठीक है, पर जहाँ पे फास्ट चाहिए अपन को रिस्पॉन्स की, जैसे ही पावर सप्लाई हल्का सा चेंज आया, हल्का सा उसको ऑफ कर रही है, तो हम यहाँ पे जिनर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जिनर एक्शन लगाने में समय लेगा। कहने का मतलब ये है भाई कि ये तो 1 माइक्रोसेकेंड लगा रहा है, पर ये जिनर जो है अपना काम करने में ये समय लगा रहा है, मान लीजिए 10 माइक्रोसेकेंड। तो आपको क्या है प्रॉब्लम, सर्किट की क्या हो गई, स्लो, आपका सर्किट पूरा हो गया है ना। तो यहाँ पे लगता है कंपेरेटर सर्किट लगता है, कंपेरेटर सर्किट आपका लगता है। ठीक है, और इस कंपेरेटर सर्किट में एक एक ओपैम्प होता है, प्लस माइनस होता है, आप इसमें कुछ भी वैल्यू सेट कर सकते हो, और जैसे ही इसकी वैल्यू एक लिमिट से ज़्यादा गई तो इसको ये ऑन कर देगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात कि किस प्रकार से हम एज अ प्रोटेक्शन डिवाइस इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ है कि मार्केट में SCR क्रोबार सर्किट आते हैं, ठीक है, SCR क्रोबार सर्किट आते हैं मार्केट में, रेडीमेड आते हैं, और उस पर लिखा रहता है 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 8 वोल्ट। तो उसमें क्या होता है कि ये जो कंपेरेटर वाला सर्किट है और आपका SCR कंबाइन होता है। कहने का मतलब ये कि आपको कोई जिनर या रेजिस्टेंस लगाना नहीं है, आपको तो क्या है सेंसिटिव डिवाइस है, उसके पैरेलल में जो आप मार्केट से रेडीमेड खरीद के लाए हो ना वो लगा दिया, उसमें कंपेरेटर आ गया और उसी में ही आपका जो है थायरिस्टर आ गया। ठीक है, और आपकी डिवाइस जो है मान लीजिए ये 5 वोल्ट का है, तो 5 वोल्ट की प्रोटेक्टेड डिवाइस है ना, सेंसिटिव डिवाइस, तो 5 वोल्ट का क्रोबार सर्किट लगेगा। अगर अदरवाइज अगर 8 वोल्ट का है तो आपको 8 वोल्ट का लगाना होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब चीज़ अच्छे से समझ में आ गई कि SCR क्रोबार सर्किट किस प्रकार से काम करता है, और थायरिस्टर ना केवल स्विचिंग की तरह काम कर रहा है बट एज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस भी काम कर रहा है, कि वोल्टेज एक लिमिट से ज़्यादा जारी है तो एक सिग्नल मिल रहा है उसको, और वो अपनी सारी जो वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है, वो अपने थ्रू ले रहा है, जिससे कि जो सेंसिटिव डिवाइस है वो बच जाए। ठीक है, ये सब चीज़ हो गई। अब हम जो नेक्स्ट लेने वाले स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, वो लेंगे हम डायक और ट्रैक।